क्या दिया हुआ है टी एन, और हमें क्या निकालना है एस एन। तो टी एन को हम फिर से रीअरेंज करते हैं, तो टी एन हमारे पास क्या आ गया, फोर एन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एन। तो अब सिग्मा टी एन क्या हो जाएगा, फोर सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा वन फोर सिग्मा एन, और इसकी हमको वैल्यूज पता है, एस एन इज फोर टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर क्या होगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और वन को अगर एन टाइम्स ऐड करोगे तो एन आ जाएगा, और फोर सिग्मा एन क्या होगा एन एन प्लस वन बाय टू आ जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये आ जाएगा टू और ये आ जाएगा थ्री, और ये यहाँ पर इससे कैंसिल हो करके टू। तो इसमें एलसीएम लेने से पहले कुछ कॉमन भी ले सकते हैं क्या, चलो एन कॉमन ले लो, और एलसीएम इसका थ्री आ गया ऑन वन है, यहां पर कितना आ गया टू एन, एन तो बाहर हो गया एन प्लस वन और टू एन प्लस वन, यहां पर कितना आ जाएगा एन देखो बाहर आ गया, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहां थ्री आ जाएगा, अब यहां क्या आ गया टू एन बाहर हो गया एन प्लस वन, कितना ही आ गया बस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एन बाय थ्री, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एन, ये चेक कर लेते हैं टू एन प्लस टू और टू एन प्लस वन प्लस थ्री माइनस टू एन माइनस टू, ये आ गया। अब ये एस एन चल रहा है, एस एन इज एन बाई थ्री, और ये आ गया फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फोर एन प्लस टू प्लस थ्री माइनस टू एन माइनस टू, क्या कटा टू एन प्लस माइनस कट गया, तो यहां क्या एन बाई थ्री फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस टू माइनस टू कट गया प्लस थ्री, तो ये इस सीरीज का सम आ गया, एस एन हो गया।